हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब, होप करती आप सब ठीक होंगे। तो एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो ये वीडियो ना सैटरडे का, और सैटरडे को मेरी मम्मी घर पे नहीं थी, वो अपने मायके चली गई थी नानी को छोड़ने के लिए, क्योंकि एक महीना हो गया था नानी हमारे पास ही रह रही थी, तो उन्हें घर जाना था इसलिए मम्मी उन्हें छोड़ने चली गई थी। तो मैं और मेरे पापा दोनों ही थे। तो सुबह उठते ही पहले तो मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ते में मैंने बनाया था कांदा पोहा। तो घर पे मम्मी नहीं थी इसीलिए घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे मैंने पहले पूरे घर को अच्छे से झाड़ू लगाया, उसके बाद मैंने कपड़े मशीन में डाले धोने के लिए, और एक साइड में कपड़े धुल रहे थे तो दूसरी साइड में मैं खाना बना रही थी। तो खाने में मैंने बनाया था मसाला भात। और यहाँ पे मेरे पापा वो जो जंगली घास थी वो सब निकाल रहे थे और सब क्लीन कर रहे थे। तो हमारे घर पे ना हर किसी को मसाला भात बहुत ज्यादा पसंद है। तो एक तो वो जल्दी से रेडी भी हो जाता है और टेस्टी होता है। पे मैं सारी सब्जियां काट रही हूँ जो कुछ भी चाहिए। तो इसमें डालने के लिए मैंने अदरक, लहसुन, मिर्ची, प्याज और टमाटर लिया है। और साथ ही में मैंने आलू भी डाला है इसमें।
खाना बनाने को लिया ही था, तब तक मम्मी घर पे आ चुकी थी। तो यहाँ पे ना मैंने एक बर्तन में ऑयल गरम कर लिया था, उसके बाद उसमें मैंने जीरा डाला और जितने भी सारी सब्जियाँ जो काट के रखी थी वो सारी डाल दी। उसके बाद मैंने उसमें हल्दी, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला डाला और उसे अच्छे से पका लिया, और फिर नमक डाला और फिर आलू डाल के उसको भी अच्छे से पका लिया। उसके बाद उसमें मैंने चावल डाला, इसमें पुदीना भी डाल सकते मगर मेरे पास नहीं था इसीलिए मैंने डाला। जैसे रेडी हो गया था ना, उसके बाद उसमें मैंने एक नींबू का रस डाला था। जो कपड़े धुलने के लिए डाले थे वो भी धुल चुके थे, तो उसे मैं सुखाने को डाल रही थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।